हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मौज में। तो फाइनली इट्स हेयर, क्या मेरा ट्रैकिंग बैग। तो गाइस फाइनली मेरा ट्रैकिंग बैग आ चुका है। मतलब मेरे पिछले दो व्लॉग कंटिन्यू पूरा ट्रैकिंग बैग पे ही थे। मतलब हम लुलु मॉल भी गए, बेस्ट प्राइस भी गए लेने ट्रैकिंग बैग, पर मुझे नहीं मिला। और जहाँ मिल रहा था डिकैथलॉन में, वो बजट के बाहर था। फिर हम अगले दिन अमीनाबाद भी गए कि वहाँ देखने की वहाँ कैसा मिलता है, पर वहाँ पे मुझे कुछ मेरा पसंद का नहीं मिला। मतलब ना क्वालिटी अच्छी थी, ना ही डिज़ाइन अच्छा था। लेकिन मैंने अमेज़ॉन पर ऑर्डर कर चुके थे हम, तो फाइनली गाइज वो मतलब मेरा डिलीवरी, मेरा पैकेज आ चुका है, मेरा ट्रैकिंग बैग। तो ये रहा वो भाई पैकेज। तो जल्दी चलते हैं, चल के अनबॉक्स करते हैं, देखते कैसा है मेरा ट्रैकिंग बैग। सो गाइस ये है मेरा पैकेज और इसमें है मेरा ट्रैकिंग बैग। तो जल्दी चलते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि जल्दी इसको अनबॉक्स करते हैं। भाई देखते हैं मेरा ट्रैकिंग बैग कैसा है, कैसी इसकी क्वालिटी है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था क्या ये उतना है या फिर उतना नहीं है। तो लेट्स सी, और जल्दी चलते हैं इसको अनबॉक्सिंग करने। तो ये रहा मेरा चाकू, और इसको भाई अब खोलते हैं। और हाँ गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 9:30। मम्मी 9:30 हो रहा है ना? हाँ हाँ। तो गाइस 9:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा पैकेज जो है वो अभी डिलीवर्ड हुआ है। और जब मैं पैकेज डिलीवर्ड हुआ था, तब मैं बाहर गया हुआ था, तो मेरे भाई ने ये रिसीव किया था। और मैंने मतलब एकदम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दिया था सबको कि कोई भी मेरा पैकेज नहीं खोलेगा, मैं खुद आके खोलूँगा, क्योंकि मुझे ही खोलना है। गाइस ये है मेरा ट्रैकिंग बैग। तो गाइस फाइनली मेरे पास मेरा ट्रैकिंग बैग आ चुका है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो गाइस ये है मेरा ट्रैकिंग बैग, और कमेंट करके बताइए कैसा है। अभी मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके क्या फीचर हैं, कैसे कैसे इसमें स्पेस है, कितना स्टोरेज है। तो जल्दी सब चेकआउट करते हैं कि इसमें क्या क्या स्टोरेज है, कितने मतलब क्या क्या कुछ है जिसमें। ये है बैग, और अब चलते हैं आपको दिखाते हैं इसमें कितनी स्पेस है। तो सबसे पहले आपके जो मेन एंट्रेंस है इसका, मतलब उसको ये आपका देखिए ये वाला हुक हो गया। एक तो गाइस इसमें बहुत सारे ये हुक लगे हुए हैं, हुक को बोलते क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगे, तो आदमी मतलब कन्फ्यूज हो जाएगा। ये देखिए कितने सारे इसमें, मतलब आगे पीछे हर जगह हैं। तो गाइस ये है इसका मेन पॉकेट, तो आप यहाँ से इसको ऐसे खोलेंगे, और ये देखिए ये बड़ा सा है। और इसमें अच्छी बात क्या है, कुछ बाइक्स में मैंने देखा था उसमें केवल ये होता है, मतलब बस इसको आप बंद कर दीजिए, लेकिन उसमें ज़िप नहीं होता है। और अच्छी बात इसमें ये है कि गाइस आपको इसमें एक ज़िप दे रखा है, तो आप इसमें ज़िप करके, और फिर आप ये अंदर का स्पेस है, और इसमें एक लैपटॉप का भी स्पेस रखने के लिए, वो भी हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर भी स्पेस मिल जाता है, कुछ भी सामान अगर आपको रखना हो नॉर्मली, तो ये जालीदार ये भी स्पेस है इसको बंद करने का। फिर आपको गाइस इसके ये इस अपर पोर्शन पे भी आपको इसमें स्पेस मिल जाता है इस जगह, और अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। और इसमें सामान रखिए, अंदर सामान रखिए, फिर आप अपने बैग को ऐसे करके पैक कर दीजिए। हाँ ये वाला ना, कह रहे हैं कन्फ्यूज़ रहते किस में कौन सा जोड़ना है, तो फिर अपने बैग को ऐसे करके पैक कर सकते हैं यहाँ पे। और गाइस में हाँ इसमें ये है जूते चप्पल रखने के लिए, उसका स्पेस है शू का, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको दिखाते हैं, खुल जाओ भाई ये, तो ये मतलब इसमें आप जूते चप्पल अपने रख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा स्पेस भी दे रखा है। आपको नहीं रखना है तो आप कुछ भी कपड़े या फिर कुछ भी आप रख सकते हैं, मतलब इट्स ऑन यू कि आपको क्या रखना है इसमें। और गाइस मैं कोई अनबॉक्सिंग वाला चैनल तो है नहीं, तो उतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, और मुझे भी अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में। क्या मम्मी वीडियो बना दीजिए, मम्मी डिस्टर्ब कर दी। और ये है गाइस पानी की बॉटल रखने वाला, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, जिसमें आप छोटी बॉटल रखिए और ऐसे करके इसको टाइट कर सकते हैं। ये दोनों साइड दे रखा है, इस साइड भी ये है। और अब अगर आप इसको ऐसे खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक स्पेस यहाँ मिल जाता है इस जगह, ये भी काफ़ी अच्छा इतना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ एक डिसेंट स्पेस है, कुछ भी रखना है। और आपको मेन एंट्रेंस में जाना है अपने बैग के, तो ये एक और जिप है, जो कि आपको ये देखिए ये मेन मतलब कंपार्टमेंट है। और इसमें लैपटॉप का भी देखिए इसमें कंपार्टमेंट दे रखा है, आप चाहे तो यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, और फिर चाहे आप ये ऊपर से भी कर सकते हैं। और गाइस एक बात और, इसकी जो ये जिप है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर मैं एक हाथ से खोलना चाहूँ तो ये देखिए आराम से, मतलब ऐसे छूट गया, मैं आराम से ऐसे करके
खोल सकता हूँ। तो गाइस ये इसमें ये देखिए ये पीछे इसमें दे रखा है रेन कवर इसका, और काफ़ी अच्छा अच्छा इसमें अटैच है क्या। तो गाइस ये रेन कवर जो है वो इसी में अटैच है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, कहीं खो ना जाए, कहीं गिर ना जाए। तो ये इसको ऐसे आप नॉर्मली ऐसे पीछे अटैच है तो वैसे करके लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे जो इसमें अटैच दे रखा है, तो इसमें आपको खोने का डर नहीं कि आप ये निकाल लें और भूल गए तो आपको याद रहेगा कि भाई इसके अंदर ही रखना है। और इसमें भी काफ़ी डिसेंट स्पेस है तो आप इसमें भी कुछ रख सकते हैं, रेन कवर के साथ में भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। और गाइस जो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा स्पेस लगा है वो है यहाँ का, ये मतलब ये गाइस मुझे ये मैं बहुत सारे बैग में देख रहा था जब मैं अमीनाबाद गया था कि मुझे इसका स्पेस अच्छा चाहिए, क्योंकि आप ये जब आप ये बैग पहनते हैं तो आप ऐसे ही बंद करते हैं, तो आपको कुछ भी सामान तुरंत निकालना है तो आप ये जिप खोला इसमें से निकाल लिया, वरना आपको अगर आपके पीछे है तो सामान रखा तो आपको पूरा बैग उतारना पड़ता है फिर निकालना पड़ता है। तो गाइस ये दोनों जिप है और अब देखते हैं ये फ़ोन डालेगा इसमें फ़ोन जाता है, तो इसमें तो गाइस ये फ़ोन नहीं जा रहा है। और इसमें देखते हैं ये थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, तो गाइस वैसे ये वाला फ़ोन भी काफ़ी बड़ा। तो गाइस ये देखिए इसमें नॉर्मली मेरा फ़ोन जा चुका है, और गाइस इसकी ये जो कुशनिंग है ये भी काफ़ी अच्छी है, और ये थोड़ा कुछ हार्ड प्लेट से बना है, हार्ड रबर मतलब इसमें कुछ हार्ड मटेरियल यूज़ किया गया है थोड़ा सपोर्ट के लिए इसमें। और ये कुशनिंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुशनिंग है इसकी। और अब गाइस आपको दिखाते हैं अपना लैपटॉप इसके अंदर रख के, क्या मेरा लैपटॉप आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो जब मैं इसको देखा तो मुझे लगा था भाई ये छोटा है इसमें लैपटॉप में नहीं आएगा, पर मैं गलत था। तो मेरा इसमें गाइस ये देखिए ये गाइस में मेरा इसमें नॉर्मली मेरा लैपटॉप भी आ गया है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो गाइस ये बहुत ही अच्छा बैग है जिस प्राइस रेंज में मैंने लिया है। तो गाइस ये मुझे पड़ा था 2243 का, मतलब 2243 रुपीज़ का मुझे पड़ा था सेल में, और इसका प्राइस तो गाइस फ्लक्चुएट करता रहेगा। और मैं इसका लिंक दे दूंगा, अगर आपको भी बाय करना हो अच्छा ट्रैकिंग बैग तो गाइस ये वर्थ ऑफ मनी है, आप जितना भी पे करेंगे। बहुत अच्छा बैग है, बहुत डिसेंट बैग है, और इसको पहन के देखते कैसा लग रहा है। गाइस चल के इस बैग को टांगते हैं और देखते हैं, और मैंने इसमें अपना लैपटॉप रखा है और तकिया रखा है जिससे थोड़ा शेप में आए। और ऐसे भैया सिर्फ लैपटॉप रखने और तकिया रखने पे थोड़ा सा हैवी लगने लगा, तो गाइस ये कुछ ऐसा लगता है बैग टांगने पे। अब इसको बंद करके देखते हैं तो ये एक ये हुआ एक यहाँ। गाइस कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताइएगा। और ये कुछ ऐसा है, तो ये है इसका पीछे से लुक। और ये देख रहे हैं इसमें ये कुछ ज़्यादा ही नहीं, ये सब लटक रहा है पर ठीक है गाइस। और इसको तो गाइस फाइनली हियर इज माय ट्रैकिंग बैग। और गाइस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और गाइज आई एम वेरी मच एक्साइटेड, और मैं एक्साइटेड क्यों हूँ वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो गाइज ये था मेरा ट्रैकिंग बैग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और खासकर मेरा ट्रैकिंग बैग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब करिएगा, और यहाँ से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, इट्स हर्षित, बाय बाय, ओम साईं राम।